स्टार्ट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ एमवैट के क्वेश्चन। अब जरा समझो, ठीक है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट बना के तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसा क्यों? तो तुम लोग अगले साल से जॉब वगैरह करोगे, जॉब करोगे, कहीं पे इंडस्ट्री में जाओगे, तो तुम लोग को कुछ वर्ड सुनने मिलेंगे कि क्रेडिट, सेट ऑफ, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो अगले साल तुम लोग सोचोगे ये क्या है, कि भगवान क्या चल रहा है, हमको समझ रहा नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं तुम लोग को ये चीज़ आईपीसी से लेवल तक, सीए लेवल तक लेके जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। समझाओ तो बहुत अच्छा, नहीं समझा टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल है, तुम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बिना सीखे आइए तुम लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग को इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, लॉजिक पता चले। अब जरा एक समझो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये चीज़ मैंने मैन्युफैक्चर की है और मैं इस चीज़ को 100 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ। मैं इसको सेल करूँगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। इस चीज़ को मैं सेल करूँगा डिस्ट्रीब्यूटर को, उससे 100 रुपीज़ लूँगा, जेब में रखूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल वैट का रेट हम लोग पकड़ते हैं 10%, 10% का रेट नहीं होता बट फिर भी अज्यूम कर लेते हैं 10%। तो मैं उससे 100 रुपीज़ लूँगा, जेब में रखूँगा, प्लस 10 रुपीज़ भी लूँगा, ये 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करूँगा। अब इसके एंगल से सोचो, इसके एंगल से डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ कितने में मिली? 110, करेक्ट, 110 में मिली। अब ये भी सोचते हैं मुझे भी इसमें 100 का प्रॉफिट चाहिए, मैं भी इसमें 100 रुपीज़ कमाना चाहता हूँ, तो ये 110 प्लस 100 रुपीज़ ऐड करके उसको बेचेगा। किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर से 210 रुपये लेगा, जेब में रखेगा, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेगा, वो क्या होगा? 10% का वैट। 210 पे 10% का वैट आएगा 21 रुपीज़। ये 21 रुपीज़ वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। इसके एंगल से सोचो, होलसेलर को ये चीज़ कितने में मिली? 210 प्लस 21 का वैट दिया उसने, 231। 231 पे ये सोचते हैं मुझे भी 100 का प्रॉफिट चाहिए, मुझे भी 100 का प्रॉफिट चाहिए, मैं इसको बेचने वाला हूँ 331 में। 331 में इसको बाहर बेचूंगा, किसको बेचूंगा? रिटेलर को बेचूंगा, 331 पे बेचूंगा, 331 रुपीज़ तो लूंगा ही, जेब में रखूंगा, प्लस 10% का वैट, वो कितना होगा? 33 रुपीज़। तो मैं से 33 रुपीज़ भी लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। अब ये देखो, रिटेलर, रिटेलर के पास ये चीज़ कितने में पहुंची है? 331 प्लस 33, 364 में पहुंची है। 364 में मुझे ये चीज़ मिली है, रिटेलर को मिली है। रिटेलर बोलता है मुझे भी इसमें 100 रुपीज़ कमाने का है, वो इसमें 100 रुपीज़ ऐड करेगा और 464 में कंज्यूमर को बेचेगा। अब ये मैं बेच रहा हूँ एंड कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को बेच लिया, एंड कंज्यूमर से मैं 464 तो लूंगा ही, वो तो मुझे चाहिए, 100 का प्रॉफिट उसमें है, प्लस 46 रुपीज़ भी लूंगा वैट और वो गवर्नमेंट को पे करूंगा। मतलब ये चीज़ इसको कितने में मिली? 510, 510 की मिली। मतलब क्या? हर जगह पे वैट। अब जरा कैलकुलेशन करके देखो, तुम लोग थोड़ा फील करो, गड़बड़ ऐसी हुई है। जब वो मैन्युफैक्चरर वैट चार्ज कर रहा था तो उसके 100 रुपीज़ के ऊपर एक बार वैट आ गया, सेकंड टाइम मेरे 100 के ऊपर तो आया ही, डिस्ट्रीब्यूटर के 100 के ऊपर आया ही, उसके 100 के ऊपर और एक बार वैट आ गया, करेक्ट। और गफला ऐसा हुआ, मेरे 100 के ऊपर आया ही, उसके 100 के ऊपर सेकंड टाइम आया ही, उसके बीच में जो वैट हुआ था ना, उस वैट के ऊपर भी फिर से वैट आ गया। अरे समझा गड़बड़? इधर इधर देखो क्या हो गया, होलसेलर के पास इसके 100 के ऊपर एक बार वैट आया, इसके 100 के ऊपर दो बार आया, उसके 100 के ऊपर तीसरी बार आ रहा है, तीसरी बार तो आया ही, उसके वैट के ऊपर जो वैट आया था ना, उस वैट के ऊपर फिर से वैट आ गया। हे भगवान, इतने सारे वैट। अब रिटेलर, रिटेलर के पास गड़बड़ ऐसी हुई, मेरे पास तो एक बार वैट आया ही, इसके 100 रुपये उसके ऊपर वैट आया, उसके 100 के ऊपर तीसरी बार आया, पहले वाले 100 के ऊपर चौथी बार वैट आया, चार बार वैट हो गया। गड़बड़ ऐसी हुई, उसके बीच में वैट, उस वैट के ऊपर फिर से वैट, उस वैट के ऊपर के वैट के ऊपर फिर से वैट। अरे सोचो कितना सारा गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है, वाट लग गई है कि नहीं? तो ऐसी वाट लग गई थी तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये बंद करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, ये बंद करना पड़ेगा। अब बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो एक काम करते हैं, ये बहुत बार वैट हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक ही बार वैट लेंगे, एक ही बार, एक ही बार मतलब कब? तो इनिशियली वैट लेंगे, मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से जब निकलेगा तो उसको वैट भरना पड़ेगा। अब फैक्ट्री से निकलने वाला है, एक ही बार वैट भरना है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ऐसा टोटल हम लोग को 100 करोड़ का वैट मिल रहा था, चलो एटलीस्ट 50 करोड़ तो मिले, बट गवर्नमेंट को मिला 10 करोड़। 10 करोड़ इतना कम कैसे? तो गड़बड़ ऐसी है कि जब फैक्ट्री से निकलता है ना, वहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि वो लोग क्वांटिटी पे कमाते हैं। अगर कोई चीज़ पेप्सी की बॉटल एंड में 20 रुपीज़ में सेल होने वाली है, तो फैक्ट्री से निकलती है 1 से 1.25 रुपये में, या मैक्सिमम 1.5 रुपये में, तो 1.5 रुपये ऊपर का वैट मतलब कुछ हुआ ही नहीं, 10% भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, तो गड़बड़ हो गई, कहाँ 100 करोड़, कहाँ 10 करोड़, चलो काम करते हैं, चेंज करते हैं,
एंड में बैठ लेंगे, बीच में किधर भी बैठ लेंगे एंड में बैठ लेंगे। अब एंड में बैठ लेने जाएंगे तो गड़बड़ ऐसी हुई, गवर्नमेंट ने सोचा था चलो इधर 20 रुपीज में सेल हो रहा है मतलब पूरा वैट मिलेगा, एटलीस्ट 50 करोड़ तो मिलेगा। पहले मिला था 100 करोड़, इनिशियली स्टार्ट किया तो मिला 10 करोड़। अब उन्होंने सोचा इधर तो सेल प्राइस ज़्यादा है, इधर मिलना चाहिए एटलीस्ट 50 करोड़, पर उनको मिला सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ ऐसा कैसा हो गया? वो इसके लिए क्योंकि एंड में जो सेल होता है ना वो कैश में होता है। अरे समझा क्या? तो एंड वाला सेल कैश में होता है, कैश कैसे पकड़ेंगे? मतलब सब गड़बड़, हर जगह पे वैट लेंगे तो भी गड़बड़, इनिशियली वैट लेंगे तो भी गड़बड़, एंड में वैट लेंगे तो भी गड़बड़। अब करे तो क्या करे, फंस गया गवर्नमेंट। अब ये तो मैंने सिर्फ 4 लिंक बोली थी, तुम्हें वो लगता है मार्केट में 4 लिंक होती है? मार्केट में कितनी सारी लिंक होती है, दो दो डिस्ट्रीब्यूटर, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर, कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा धीरे धीरे करके होलसेलर, उसका छोटा होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर रिटेलर के बाद और एक रिटेलर, फिर वो जाके कंज्यूमर को सेल करेगा, इतना लंबा नाटक। सोचो कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्या कैलकुलेशन खतरनाक हो जाएगा। तो इस चीज़ को हटा के, ये जो था ना इसको बोलते थे सेल्स टैक्स, इस सेल्स टैक्स को हटा के गवर्नमेंट एक नया टैक्स लेके आई, नया कंसेप्ट लेके आई जिसका नाम है वैट। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट तो वैट के बारे में बात कर रहे थे बट वो था सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स का नाम हटा के उन्होंने नाम रख दिया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो कैसे होता है, अब यही चीज़ हम लोग वैट के एंगल से सोच के करेंगे। मैं था मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ कितने में 100 रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपीज़ में सेल करूँगा, उसे 100 रुपीज़ तो लूँगा जेब में रखूँगा, फर्स्ट स्टेज तो सेम होगा, 10 रुपीज़ भी लूँगा गवर्नमेंट को दूंगा। अब ये क्या बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर, बोलेगा ये चीज़ मुझे कितने की मिली है, 110 की। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं 110 की नहीं, 100 रुपये की मिली है, उसके ऊपर जो तूने 10 रुपये दिए ना वैट के वो तेरे लिए डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन कैसे मिलेगा? वो तो रुक तो सही, तू आगे बेचते हो तेरे को बाद में हम समझाएंगे। तो 110 की ये चीज़ अब गवर्नमेंट बोलती है तुझे 100 रुपये की ही पड़ी है, आगे के 10 रुपये तेरे लिए डिस्काउंट कूपन है, वो तेरे जेब में वापस आने वाले, तो उसको कॉस्ट में ऐड मत कर। इसने बोला ठीक है, अब ये 100 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ ऐड करेगा, इसको प्रॉफिट चाहिए ना, तो ये 200 में सेल करेगा, 200 में सेल करेगा, उसको 200 रुपये लेगा जेब में रखेगा, 20 रुपीज़ भी लेगा। अब ये 20 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट पूछता है भाई साहब ये 20 रुपीज़ है ना, 20 में से तेरे पास डिस्काउंट कूपन कितने का था, 10 रुपीज़ का था, मतलब तूने पहले वाले को कितना वैट दिया था 10 रुपीज़ का, ठीक है वो जेब में रख। अच्छा मतलब ये मैं जेब में रख सकता हूँ, ये मैंने जेब में रख दिया, अब बचे कितने 10 रुपये, ये 10 रुपये मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, मतलब जो मेरे जेब से इनिशियली वैट गया था मेरे जेब में वापस आ गया, तो वो मेरा कॉस्ट नहीं है। इधर होलसेलर के पास ये चीज़ कितने में आई है, 220 की, बट गवर्नमेंट क्या बोलता है ये चीज़ तेरे पास 200 की आई है, 20 रुपये जो तूने पिछले वाले को दिया था ना वो तेरे लिए कॉस्ट नहीं है, वो तेरे लिए डिस्काउंट कूपन है, वो अगले बार तो यूज़ करने वाला है, तो उसको कॉस्ट में ऐड मत कर। मैंने कहा ठीक है, तब मुझे भी 100 का प्रॉफिट चाहिए, सो 200 के ऊपर मैं 100 रुपीज़ ऐड करूँगा और मैं रिटेलर को बेचूँगा 300 में, अब उसे 300 लूँगा मेरे जेब में आएंगे, 30 रुपीज़ भी लूँगा, 30 रुपीज़ मेरे पास है। अब 30 रुपीज़ में से गवर्नमेंट पूछता है भाई साहब पिछले वाले को कितना दिया था, पिछले वाले को देखे कितना डिस्काउंट कूपन तेरे पास आया है, मैंने पिछले वाले को 20 रुपये दिया था वैट, वो 20 रुपये मैं जेब में रखूँगा और बचे हुए 10 रुपये गवर्नमेंट को पे करूँगा। अब एंड कंज्यूमर के पास ये चीज़ कितने में आई है, 330, करेक्ट। ये बोलते हैं मुझे भी 100 का प्रॉफिट चाहिए, बट गवर्नमेंट बोलता है भाई साहब 330 तेरा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट सिर्फ 300 रुपये है, 30 रुपये जो दिया था ना वो तेरे लिए डिस्काउंट कूपन है, वो तो अगले बार यूज़ करने वाला है, तो तेरे लिए कॉस्ट 300 है। मैं बोलता हूँ ठीक है, तो इस 300 की चीज़ के ऊपर मैं 100 का प्रॉफिट ऐड करूँगा और करूँगा उसको 400, और ये 400 की चीज़ मैं मार्केट में कितने में बेचूँगा, 400 प्लस वैट। तो ये एंड कंज्यूमर को बेचा, उससे 400 लिए, 400 तो जेब में आए, प्लस 40 रुपीज़ भी लिया। अब इस 40 रुपीज़ को मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा इसमें से पहले वाले को कितना दिया था, मैंने दिया था 30 रुपीज़, 40 में से 30 रुपीज़ जेब में रखूंगा और बचा हुआ 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करूंगा। अब हुआ ऐसा, जो चीज़ सेल्स टैक्स में कमाया तो सबने 100 रुपीज़ ही है, बट जो सेल्स टैक्स के कैलकुलेशन में 510 की जा रही थी, अब वो एंड कंज्यूमर के पास कितनी की आ गई, 440 की, और गवर्नमेंट को एंड सेलिंग प्राइस पे 10% का वैट मिला। एंड सेलिंग प्राइस क्या है, 400, एंड कंज्यूमर को 400 में सेल हुई है, 400 का 10% कितना होता है, 40 रुपये, गवर्नमेंट को 40 रुपये मिलना चाहिए था। पता है कैसे मिला, इनिशियली 10 रुपीज़, होलसेलर का 10 रुपीज़, डिस्ट्रीब्यूटर का 10 रुपीज़ एंड रिटेलर का 10 रुपीज़, टोटल हो गया 40। अब ये चीज़ कितने बार भी सेल हो गवर्नमेंट को एंड सेलिंग प्राइस का 10% ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था ना इसको बोलते हैं वैट। अब वैट में जो भी चीज़ पिछले वाले को कितना दिया था ऐसा सोच के मैं जेब में रख रहा हूँ ना, उस चीज़ को बोलते हैं सेट ऑफ।
तो सेटऑफ का मतलब क्या होता है, पिछले वाले को कितना वैट दिया था उसका मैं फायदा उठाऊंगा, क्रेडिट उठाऊंगा, उसको बोलते हैं सेटऑफ। अब जरा सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो करे क्या, एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने जाएंगे 75 मार्क्स का, तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे थोड़ी ना पेपर होता है। तो पता है वो क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन, 1 लाख में परचेस किया, 1.5 लाख में बेचा, कैलकुलेट वैट, बस। तो इतना सब कुछ क्यों किया सर, समझने के लिए कि मार्केट में चलता क्या है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, जरा देखो क्या है। उन्होंने क्या बोला, 1 लाख का सामान परचेस किया, परचेस और 1.5 लाख में बेचा, 1,50,000 में बेचा। तो 1 लाख में परचेस किया, 1.5 लाख में बेचा, हम लोग वैट का परसेंट अज्यूम करने वाले 10%। कैलकुलेट एम वैट मतलब मुझे कैसे करना पड़ेगा, देखो इधर, कैलकुलेशन ऑफ एम वैट लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स मतलब एम वैट ऑन सेल्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका दूसरा नाम है सेट ऑफ, उसका मतलब होता है एम वैट ऑन परचेस। तो सेल के ऊपर का वैट माइनस परचेस के ऊपर का वैट, जो बचेगा वो मुझे पे करना है। हमने इसी किया था ना, मैं बेचते टाइम लोगों से वैट कलेक्ट कर रहा था, वो वैट मेरे हाथ में आ रहा था, उसमें से पहले वाले को कितना दिया था उतना मैं जेब में रख रहा हूँ। सो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मेरे सामने बैठा है देश का भविष्य, अगले साल ग्रेजुएट बनने वाला है, मुझे बताओ हम प्रॉफिट कैसे ढूंढे, सेल माइनस परचेस के, परचेस माइनस सेल, सेल माइनस परचेस, तो सेल माइनस परचेस करके प्रॉफिट मिलेगा। इधर भी मुझे सेम चीज करनी है, इधर मैं सेल माइनस परचेस नहीं कर रहा हूँ, बट एमवेट ऑन सेल माइनस एमवेट ऑन परचेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे एमवेट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखो इधर, 1 लाख की चीज परचेस की थी, 1.5 लाख में बेची, तो आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 1,50,000 का 10%, मतलब जब मैंने 1.5 लाख में सामान को बेचा, मेरे हाथ में वैट आने वाला है 15,000, उसमें से माइनस करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने चीज परचेस की थी 1 लाख रुपए की, इस 1 लाख रुपए के ऊपर 10% का वैट, मतलब मैं माइनस करने वाला हूँ 10,000, और एंड में मुझे पे कितना करना पड़ेगा, एम वैट पेबल होगा 25,000, करेक्ट नहीं 5,000, क्योंकि 15,000 में से 10,000 तो मैं जेब में रखूंगा, और बचे हुए 5,000 मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। सो दिस इज माई एम वैट पेबल। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अब इतना छोटा नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन तो लंबा होगा, तो एक छोटा सा 7 मार्क्स है, एक सैम्पल क्वेश्चन देखो। ये मैंने क्वेश्चन बना लिया, कैलकुलेट एम वैट लाइबिलिटी, डिटेल्स ऑफ परचेस एंड डिटेल्स ऑफ सेल्स, डन। अब ये डेटा मेरे पास है, उसने ये सामान परचेस किया था और यही सामान उसने बेच दिया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एम वैट कितना है, फॉर्मेट तो मेरा सेम होगा, कैलकुलेशन ऑफ एम वैट, कैलकुलेशन ऑफ एम वैट, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, फर्स्ट आउटपुट टैक्स, उसने क्या क्या बेचा है, शेड्यूल ए, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल ई, ये सामान उसने बेचा है, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका दूसरा नाम होता है सेट ऑफ, शेड्यूल ए, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल ई, बस। अब जरा देखो क्या हो रहा है, माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा एम वैट पेबल। मुझे बताओ उसने शेड्यूल ए का सामान कितने में बेचा, कितने में बेचा, और मुझे पता है काफी लोगों के दिमाग में एक अमाउंट आया होगा 1.5 लाख। पता है गड़बड़ क्या होती है, हम लोग आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स लिखते हैं, कितने में बेचा ऊपर वाला देखते हैं, बट एग्जाम में जानबूझ के ऊपर देंगे परचेस और नीचे देंगे सेल, अपने को सेल माइनस परचेस करना है, बट ये सेल है ही नहीं, सेल तो इधर है, तो कितने में बेचा शांति से देखना पड़ेगा। शेड्यूल ए का सामान उसने 1.5 लाख में परचेस किया है, बेचा 2 लाख में, सो आउटपुट टैक्स 2 लाख, और शेड्यूल ए का रेट होता है 0%, हो गया 0। शेड्यूल सी का सामान उसने कितने में बेचा है, 3 लाख में बेचा है, शेड्यूल सी का रेट है 5%, सो 3 लाख का 5%, 15,000, और उसने शेड्यूल ई का सामान बेचा है 4 लाख में, सो 4 लाख का 12.5% आएगा, कितना आएगा 12.5%, 50,000। सो टोटल आउटपुट टैक्स इज 65,000, मतलब जब उसने ये सामान बेचा उसके हाथ में 65,000 पड़ा है, उस 65,000 में से वो क्या माइनस करेगा, जो उसने सामान परचेस किया था उसका वैट, शेड्यूल ए का वैट जेब में रखेगा, सी का वैट जेब में रखेगा, ई का वैट भी जेब में रखेगा, और बचा हुआ गवर्नमेंट को पे करेगा। चलो देखते हैं कितना टोटल जेब में रखना है। शेड्यूल ए 1,50,000 इंटू 0% आएगा 0, शेड्यूल सी 2,50,000 इंटू 5%, ये आएगा 12,500,
और शेड्यूल ई का सामान जो उसने 3,50,000 में बेचा है इंटू 12.5%, भाई इतना ओरली नहीं होगा मुझसे, सो 3,50,000 इंटू 12.5% 43,750, सो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके पास है 56,250। अब 56,250 में से वो 65,000 माइनस करेगा तो आंसर आ रहा है 8,750। बस ये 8,750 गवर्नमेंट को पे करेगा। अब मैं एक बार सॉल्यूशन को रीड करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन को रीड करना इजी होता है, तो हम सॉल्यूशन को रीड करके देखते हैं। इस सॉल्यूशन से मुझे क्या समझ रहा है, जब उसने ये तीन सामान बेचा था तो 2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए भी लिए, 4 लाख भी लिए, प्लस ये एमवैट भी लिया लोगों से। अब उसके हाथ में ये 65,000 है। अब ये क्या करेगा, इस 65 को पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, इसमें से क्रेडिट लेगा परचेस करते टाइम जो भी क्रेडिट लिया था वो। तो उसने ये तो लोगों को पे किया ही था, प्लस ये वैट भी लोगों को पे किया था। 56,250 का वैट उसने लोगों को पे किया था वो उठा के जेब में रखेगा, तो मेरे हाथ में बचे कितने, 8,750। दिस इज एमवैट पेबल, ये एमवैट में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अरे पता चला क्या, तो अब हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी, पहले क्या लिखोगे, पहले ये वाला पार्ट लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे, और इस क्वेश्चन के बाद वो आंसर लिखोगे। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अपने बुक में प्रिंटेड नहीं है, इसके लिए मैंने दे दिया। सो पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज, बस जल्दी जल्दी कॉपी करो। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने डिफिकल्ट करा के सिखाया और तुम लोग को अभी समझ में आ चुका है। अब एक बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद कर सकते हो। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। सो प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का ये पहला क्वेश्चन हम लोग बुक से कर रहे हैं। कैलकुलेट नेट टैक्स पेबल अंडर एमवैट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अप्रैल 2015। इधर क्या दिया है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर में दिया है रॉ मटेरियल एक्स उसने परचेस किया जो शेड्यूल ई का है, जो परचेस किया 10 लाख का, रॉ मटेरियल वाई उसने परचेस किया है शेड्यूल सी का जो उसने परचेस किया 2,50,000 का, सेल प्राइस ऑफ गुड्स दिए 40 लाख। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट करूंगा, एमवैट ऑन सेल, एमवैट ऑन सेल, सेल कितने का किया है 40 लाख, 40 लाख पे वैट कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे बताओ 40 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा, शेड्यूल दिया है क्या, नहीं, अब क्या करें। इसका मतलब क्या, जब शेड्यूल नहीं दिया होता है हम शेड्यूल अज्यूम करेंगे, ऐसा तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर शेड्यूल नहीं दिया है अब कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। सो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट शेड्यूल एंड रेट देन वी विल अज्यूम इट इज 12.5% शेड्यूल ई, ठीक है। तो शेड्यूल ई क्या होता है, अदर कैटेगरी, जो शेड्यूल ए बी सी डी में नहीं आता वो सब कुछ आएगा ई में, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये शेड्यूल ई है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, कोई भी लिखना मत, इसके पहले एक छोटा सा नोट आने वाला है, वो नोट के बाद हम लोग ये आंसर लिखने वाले हैं। सो जरा नोट से पहले मैं आंसर सॉल्व कर लेता हूं। देखो क्या है, उसने आउटपुट टैक्स अपने को कैलकुलेट करना है शेड्यूल ई का 40 लाख पे, तो 40 लाख का 12.5% ये कितना आने वाला है, ये आ रहा है 5 लाख। अब इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक अमाउंट था, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसका दूसरा नाम है सेट ऑफ,
तुम लोग ओनली सेटअप भी लिख सकते हो, ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिख सकते हो, चलेगा, बट मैं दोनों लिखता हूँ। पहले उसने रॉ मटेरियल एक्स परचेस किया, फिर रॉ मटेरियल वाई परचेस किया। रॉ मटेरियल एक्स है शेड्यूल ई का, रॉ मटेरियल वाई है शेड्यूल सी का। ये उसने परचेस किया था 10 लाख रुपीज में। सो 10 लाख इंटू 12.5, ये कितना आएगा? 1,25,000, 1,25,000। शेड्यूल ई का उसने परचेस किया है 2,50,000, 2,50,000 का 5% कितना आएगा? 12,500। तो इसकी टोटल हो जाती है 1,37,500। अब तक के सॉल्यूशन को अगर मैं रीड करूं तो मुझे ये समझेगा, जब उसने सामान बेचा 40 लाख के ऊपर 12.5 के हिसाब से 5 लाख का वैट उसने कलेक्ट किया जो उसमें हाथ जो उसके हाथ में है, इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट वो माइनस करने वाला है। वो माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज पेबल वो है 3,62,500। सो दिस इज MVAT पेबल। बस फटाफट इसको लिखना है, उससे पहले एक छोटा सा नोट में लिख रहा हूँ, वो नोट के बाद आंसर कॉपी करना। वो नोट सिर्फ इतना ही है कि कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे 12.5%। अपने नोट्स ना ऑथर के बुक की तरह बनने वाले हैं, छोटा सा कंसेप्ट फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। तो इस कंसेप्ट को जल्दी जल्दी लिख दो। इफ नथिंग इज गिवन, अबाउट रेट एंड शेड्यूल देन अज्यूम शेड्यूल ई दैट इज 12.5%। बस इसके बाद ये आंसर कॉपी करता है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। बस फटाफट कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 ना एक बार एग्जाम में आया था और आधे से ज़्यादा लोग इसको छोड़ के आ गए, उनको समझा नहीं करना क्या है। अब ज़रा क्वेश्चन देखो, दिख रहा बड़ा भयानक है और इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आज तक बना ही नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, अ डीलर परचेज द फॉलोइंग गुड्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2015, पर्टिकुलर टोटल अमाउंट वैट एंड नेट अमाउंट। ठीक है, अब ज़रा देखो, उसने 5% वैट के गुड्स परचेस किए, टोटल अमाउंट दिया 10,50,000, इनपुट टैक्स पेड दिया है 50,000 और नेट अमाउंट दिया 10 लाख। तो इसको राइट साइड से पढ़ते, राइट साइड से पढ़ने के लिए देखो, नेट अमाउंट दिया 10 लाख, मतलब उसने 5% वैट के गुड्स 10 लाख के परचेस किए, 10 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 50,000 का वैट आ गया, तो बिल बन गया 10,50,000। ठीक है, अभी हम लोग राइट साइड से ही पढ़ेंगे। 12.5% वैट के गुड्स उसने 8 लाख के परचेस किए थे, 8 लाख के ऊपर 12.5 के हिसाब से 1 लाख का वैट आ गया, टोटल करके हो गया 9 लाख। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या दिया है, द इनपुट टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स इज एलिजिबल फॉर वैट क्रेडिट। ये तो अपने को पता ही है, परचेस वाला वैट तो हम लोग माइनस करते हैं, लोग ये सेंटेंस पढ़ के कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। तीसरा पॉइंट, सेल्स मेड बाय द डीलर ड्यूरिंग द मंथ आर एस बिलो। ठीक है, उसने क्या क्या सेल किए, उसने 5% वैट के गुड्स सेल किए, राइट साइड से देखो, 11 लाख में बेचे, उसने परचेस किए थे 10 लाख में, जो उसने बेचे 11 लाख में, उस पर 5% के हिसाब से 55,000 का वैट आ गया, टोटल बन गया 11,55,000। 12.5% वैट गुड्स जो उसने 9 लाख में बेचे, जिसके ऊपर वैट आ गया 1,12,500, टोटल बन गया 10,12,500। वैट एग्जेम्प्ट गुड्स, वैट एग्जेम्प्ट गुड्स 2,50,000 के उसने बेचे, वैट जीरो, तो टोटल बन गया 2,50,000। फिर उन सबके टोटल दिए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये स्टेटमेंट बनाने बोला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। पता है आंसर क्या है, आउटपुट टैक्स मतलब MVAT ऑन सेल, तो MVAT ऑन सेल्स कितने हैं, 1,67,500।
MVAT on purchase कितने हैं 150,000. So 167,500 minus 150,000 आंसर कितना आएगा 17,500. बस खत्म. मतलब उन्होंने पूरा सॉल्व करके दिया है. अपने को क्या करना है, सिर्फ अपने फॉर्मेट में उसको लिखना है. तो चलो फटाफट लिख देता हूँ कैसे लिखना है. पता है MVAT आउटपुट टैक्स पहले तो 5% वैट गुड्स, 5% वैट गुड्स जो उसने बेचे तो उस पर वैट आएगा 55,000. फिर उसने 12.5% वैट गुड्स बेचे वो तब उसके पास वैट आ गया 112,500. फिर उसने वैट एग्जेम गुड्स भी बेचे, वैट एग्जेम गुड्स उसने बेचे जीरो, टोटल बन गया 167,500. ऐसे ही उसने 5% 12.5% एंड वैट एग्जेम गुड्स जब परचेस किए थे तो 50,000 100,000 एंड जीरो, सो 150,000 का वैट कलेक्ट किया था, पे किया था, माइनस करके बचा 17,500. दिस इज MVAT पेबल. इससे सिंपल क्वेश्चन तुम लोग को करने मिलेगा ही नहीं. ये क्वेश्चन उनको करने मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, और शायद तुम लोगों ने पुण्य किए हैं. तो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो. ओके तो ये पार्ट हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन हो गए. अब एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो तुम लोग ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, वो कंसेप्ट तुम लोग 6th स्टैंडर्ड में कर चुके हो. अब लोग सोच रहे हैं सर 6 दिन पुराना याद नहीं आता, सर 6 घंटे पुराना भी याद नहीं आता, छठी कक्षा की बात कर रहे हो. अब ज़रा देखो क्या है उस क्वेश्चन में, क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कोई भी लिखना मत, इसके पहले एक नोट आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 17 में मेजर्स विघ्नहर्ता इज अ डीलर इन पुणे. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2014. ग्रॉस सेल्स उन्होंने दिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. अच्छा मतलब टैक्स ऐड करने के बाद क्या उन्होंने दिए. शेड्यूल ए 100,000, शेड्यूल बी 505,000, शेड्यूल सी 840,000, शेड्यूल ई 22,50,000. चलो शेड्यूल सी की बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ शेड्यूल सी 840,000. मुझे जरा प्लीज इसके ऊपर जो 5% का वैट है ना वो जरा ढूंढ के बताना, जरा कैसे भी ढूंढो ना प्लीज. और जिन लोगों ने 840,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट किया वो सुपर गधे, सुपर इडियट. इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करके नहीं चलेगा. कुछ अमाउंट थी जिसके ऊपर 5% जब उन्होंने ऐड किया तब जाके 840,000 मिला है. तो ये 5% 840,000 के ऊपर नहीं है, 5% उस सामान के वैल्यू के ऊपर है. और सामान की वैल्यू कितनी कैसे ढूंढेंगे, तो अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई. ये चीज हमने की थी सर्विस टैक्स में जब अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स. यहाँ पे अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ वैट. अब मैं कैसे करूंगा, अब जरा देखो शेड्यूल सी के लिए अगर मैं वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर MVAT ऐड करूं तो मुझे फाइनल बिल अमाउंट मिलेगा. जैसे सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स ऐड करने के बाद बिल अमाउंट मिल रहा था, यहाँ पे गुड्स का वैल्यू है. सपोज शेड्यूल सी के 100 रुपीज़ के सामान को बेचूंगा तो 5% का वैट आएगा, 100 के ऊपर 5%, सो टोटल हो जाएगा 105. इन्होंने जो 840,000 दिया है दैट इज बिल अमाउंट और मुझे चाहिए वैट. अब मैं वैट कैलकुलेट करूंगा 840,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 और मुझे मिल जाएगा 40,000. ऐसा ही अगर सेम टू सेम मैं शेड्यूल ई के लिए करूं, सो 100 रुपीज़ का सामान 12.5% का वैट तो मिलेगा 112.5. उन्होंने अमाउंट दिया 22,50,000. अब मैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 22,50,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 112.5, टोटल आ जाएगा 2,50,000. अब जिनको लॉजिकली समझा अच्छी बात है, जिनको लॉजिकली नहीं समझा जिनको रट्टा ही मारना होता है उनके लिए एक फॉर्मूला मेरे पास है. फॉर्मूला क्या है, वैट कैसे मिलेगा बिल अमाउंट इंटू MVAT के परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस MVAT का परसेंटेज.
हे भगवान सर लॉजिकली ही समझेगा, तो ठीक है देखो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, एम वैट रुपीज हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब शेड्यूल ई का सी का जो हमने किया था 8,40,000, एम वैट का रेट था 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 5 105 आ गया 40,000 और अपना यही आंसर आया था। वैसे ही शेड्यूल ई का हमने किया था 22,50,000 इंटू 12.5% का रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 12.5 टोटल बन गया 2,50,000। और इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ज़रा देखो, अब ये नोट में लिखने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन में पहले सॉल्व करता हूँ। देखो शेड्यूल ए का सामान जब उसने बेचा था, वो बेचा था 1,00,000 रुपये में, तो मैं क्या करूँगा, शेड्यूल ए 1,00,000 इंटू 0 डिवाइड बाय 100 प्लस 0 100 एमवैट आएगा 0। ऐसा ही उसने शेड्यूल बी का सामान भी बेचा, जो उसने बेचा 5,05,000 में, 5,05,000 शेड्यूल बी का रेट होता है 1 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 101 टोटल बन गया 5,000। फिर शेड्यूल सी का सामान उसने बेचा था, जो बेचा था 8,40,000 में इंटू 5 डिवाइड बाय 105 हो गया 40,000। ऐसा ही उसने सामान बेचा शेड्यूल ई का, जो उसने बेचा था 22,50,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 12.5 तो कितना आ गया 2,50,000। टोटल कितना बन गया 2,95,000। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन के नीचे दिया है, सेट ऑफ परचेस 1,40,000। तो इसमें से 1,40,000 जब माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे 1,55,000 एंड दिस इज माय एमवैट टेबल। सो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी कुछ सालों से करते आ रहे हैं। अब पहले क्या करना है, पहले मैं वहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, वो नोट कॉपी करना, नोट के बाद ये क्वेश्चन कॉपी करना। तो ये मैंने नोट लिख दिया, ये बादल के अंदर मैंने कंसेप्ट लिखा है, उसका छोटा सा एग्जाम्पल हमने किया है। और हम लोग लॉजिकली करेंगे तो भी सेम आंसर, टेक्निकली फॉर्मूला से करेंगे तो भी सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर। उसके बाद पहले ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी करो। और आज के लिए इतना ही। Thank you.